अभी तो खुशी का माहौल है, मैंने कह दिया हाँ अच्छा है। कौन हाँ जी सर, थैंक यू सर। कंग्रेचुलेशन। और मैं सबसे पहले इस मौके पे माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने सारी टीम का, अपने पिताजी का, मेरे पूरे परिवार का और मेरे साथियों का, सारे MLAs का जिन्होंने मुझे वोट दी, जिन्होंने मेरी बात सुनी और मुझ में अपना विश्वास जताया। और मैं तो अभी 10 दिन पहले राजनीति में आया हूँ और मैंने अपनी बात लोगों के सामने रखी और उसको रखने का भी मुझे मौका ठीक से नहीं मिला, क्योंकि उनमें से काफ़ी लोग तो बाहर थे। लेकिन जिन्होंने वोट दी और जिन्होंने वोट नहीं दी, मैं दोनों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी एक शुरुआत है राजनीति में और राजनीति से ज़्यादा मेरी लोगों की सेवा करने में। मैं हरियाणा के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए, प्रदेश के लिए, युवाओं के लिए अपने अनुभव से और अपने बड़े बुजुर्गों भाइयों के आशीर्वाद से काम करना चाहता हूं, अच्छा काम करना चाहता हूं। कार्तिक जी, एक सस्पेंस बना हुआ था लगातार, आगे का वो सस्पेंस खत्म होता है और आप जीत दर्ज करते हैं, कैसे देखिए? शायद ये एक परीक्षा थी और इस परीक्षा से गुजरना अनिवार्य था और परीक्षा का फल तो आप लोगों के सामने आ ही गया है। और लेकिन इस परीक्षा के पीछे बहुत बड़ी टीम काम कर रही थी, बहुत लोग लगे हुए थे, बहुत लोगों का आशीर्वाद था, स्नेह था, प्यार था। तो मैं तो सिर्फ एक प्रतीक हूँ, बाकी जो मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, मेरे परिजन मेरे साथ लगे हुए थे, ये सब उन्हीं का। और वैसे मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी का और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, दुष्यंत चौटाला जी का, JJP का, सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का, भारतीय जनता पार्टी का, हर उस व्यक्ति का जिसने मेरे साथ खड़े होकर मेरे 10 दिन के अंदर मुझे अपनी बात लोगों तक पहुँचाने का मौका दिया और मुझे जीत। कांग्रेस बताएं कि आपके क्या प्राथमिकताएं हैं, जाकर रहेंगे, क्योंकि हरियाणा के कई इश्यूज हैं, आप राजनीतिक परिवार से आते हैं, व्यवस्था हैं सभी इश्यूज से। देखिए, मेरी प्राथमिकताएं एजुकेशन पे रहेंगी, जॉब्स एंड वोकेशनल ट्रेनिंग पे रहेगी और स्पोर्ट्स, कि हरियाणा एक एरिया है जिसके ऊपर, तो मैं 3-4 मुद्दों पे काम करना चाहता हूँ जिसपे मेरा अपना अनुभव भी है और मैंने पिछले 15-20 साल में काफ़ी काम किया भी है इस एरिया में। और मैं हरियाणा की आवाज़ रखना चाहता हूँ राज्यसभा में। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा की आवाज़ राज्यसभा में उस तरीके से रखी जाती है जिस तरह से रखी जाना चाहिए और हक और हकूक की लड़ाई लड़नी चाहिए, हम लड़ेंगे। सर, फाइनल रिजल्ट आने से पहले कांग्रेस की तरफ से बधाई संदेश देने शुरू हो गए थे, KC वेणुगोपाल की तरफ से भी अजय माकन जी को बधाई दी गई, कई शंका लगी थी आपको कि ये सीट जा सकती है आपकी? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि ज़िंदगी में कुछ भी जल्दी अच्छा नहीं होता है, तो जल्दी में ना रहें और समय से हर चीज़ होनी चाहिए। और हमने अपना काम किया, होमवर्क किया, ठीक से अपनी बात रखी, हमें पूर्ण रूप से विश्वास था हम जीतेंगे और रिज़ल्ट आपके सामने है। लोगों ने बहुत प्यार जताया है, बहुत प्यार दिया है, मैं उम्मीद रखता हूं कि मैं उनका प्यार और भरोसा पूरा तरीके से निभाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा हर उस व्यक्ति का, कुलदीप बिश्नोई जी का भी और हर व्यक्ति का जिन लोगों ने मुझे वोट दी है यहां तक पहुंचाने के लिए, बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो एक एक वोट मैटर करती थी। और मैं इसको वोट की तरफ ना बोल के मैं समझता हूं कि अगर मैंने एक छोटी सी भी शुरुआत करने की कोशिश की और लोग जुड़े उस शुरुआत में, चाहे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर, तो मैं उनका बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ उन सबों का जिन्होंने मेरे में आस्था जताई और जिन्होंने मुझ में विश्वास जताया। और मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप सबों के माध्यम से भी, कि आपने मुझे मौका दिया, मैं आपको निराश नहीं। सर, गजेंद्र शेखावत जी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि प्रशिक्षण उनकी तरफ से भी दिया गया था लेकिन कांग्रेस ने जो दिया वो फेल हो गए एक। देखिए, मैं तो इतना कहूँगा कि जो प्रशिक्षण गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने, मनोहर लाल जी ने और पूरी पार्टी ने दिया और लोगों ने मेरा हौसला अफजाई की, उसी की वजह से हम जीत पाए हैं। और ये मैंने कहा, इन सब का ही योगदान था, इन्हीं वजहों से हम लोग जीत पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? जैसे पहले मैंने बोला है, जो केंद्र नेतृत्व है, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है,
तो देश का हर नागरिक चाहता है कि हमारा देश सुरक्षा की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से आगे बढ़े, और सबकी निगाहें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। और राज्यसभा एक ऐसा है जिसमें कोई भी कानून पास करना है तो राज्यसभा में पास नहीं होगा तो नीचे लोर हमारा जो सदन है उसमें पास नहीं होगा। इसलिए जो कार्तिक शर्मा भी जीतते हैं, मैं उन सभी विधायकों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपनी अंतरात्मा से उनको वोट देकर जिताया। और मैं पार्टी के 40 जो मेरे बीजेपी के विधायक हैं और मुख्यमंत्री का सामने और धनखड़ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर, कांग्रेस की तरफ से पहले ही खुशी का इजहार कर दिया गया था कि दूसरी सीट पर अजय माकन जी जीत गए हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? कांग्रेस के जो वहां पर पोलिंग एजेंट बैठे थे उनको आंकड़े समझ नहीं आए। मेरे पास ही बैठा था जो व्यक्ति बाहर आया और टिक मार्क जो कर रहा था, वोट उनके 29 थे, 30 पे कर रहा था। तो कांग्रेस पार्टी को आंकड़े भी इनके संगठन के लोगों को नहीं आते। सर, फाइनली क्या हुआ? फाइनली ये है कि माई फर्स्ट प्रेफरेंस किशन पवार गॉन एज ए बीजेपी कैंडिडेट, एंड सेकेंड पोजिशन इज कार्तिक शर्मा विद सम सेकेंड प्रेफरेंस वोट्स, एंड वी कांग्रेस कैंडिडेट हैज गॉट 29 वोट्स टोटल पावर। पहली बार में किस तरह के अजय माकन जीत रहे थे तब किस तरह? वो बाई चांस मिसकम्युनिकेशन हुआ जी, मिसकम्युनिकेशन की पार्टी शुभकामनाएं दे दी थी। मैंने तो कुछ नहीं सुन पाया। सर, कैसे ट्वीट्स आए थे और कांग्रेस के कोई बात नहीं, दैट इज ए दैट से जस्ट उसमें, क्योंकि टोटल हमारे को 30 वोट आए, 30 में हमारा एक वोट इनवैलिड चला गया, इसलिए 29 आए। शुरू में ये लगा कि हमारे 30 वोट है, इसलिए 30 में हम 100% जीते थे, 29 में नहीं जीते। पहली काउंटिंग में भी अजय माकन नहीं जीते थे। हां जी, विधायक पहली काउंटिंग में भी नहीं जीते थे अजय माकन। सर, इनवैलिड किस विधायक का आया है और किस वजह से? ये तो रिकॉर्ड देखने के बाद, अप्लाई करने के बाद पता लगेगा कोई करने सटे। वजह क्या रही इनवैलिड? विधायकों को सर अनुपात बता दीजिए जो अजय माकन जी और कार्तिक के जी के बीच में मुकाबला था उसमें क्या रहा है? सिर्फ 34 पावर का पावर, समझते हैं? वो बात फिर दिक्कत है, फार्मूला है वो, फार्मूले के साथ 34 उनको पावर टोटल मिली है, हमारे को 29 का विषय है हमारे लिए कि जो इस बार की हरियाणा प्रांत से दो राज्यसभा की सीटें रिक्त हुई थी और जिनका चुनाव अब तो कल कहेंगे कि कल 10 तारीख को हुआ था, आज 11 तारीख हो गई है। और इस चुनाव में सभी 90 संख्या का गणित तो आपको मालूम ही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के 40 विधायक थे हैं, 31 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, 10 विधायक जेजेपी के हैं, और इसके अतिरिक्त इंडिपेंडेंट्स हैं, दो पार्टियों के एक एक MLA हैं। तो उसमें दो राज्यसभा के सदस्य चुने जाने हैं, 3 ने नामांकन किया था, तो उसके लिए मैं ऐसे सब विधायकों का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट श्री कृष्ण पवार जी और हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट श्री कार्तिक शर्मा जी, इन दोनों को चुना है और सफलता दिलाई है, ऐसे सभी विधायकों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और ये एक प्रकार की हरियाणा की जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। मैं आशा करता हूँ कि दोनों हमारे नए राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा में जाकर के हरियाणा के हितों की पूरी चिंता करेंगे और हरियाणा के बारे में जो भी विषय है केंद्र सरकार के नाते से वहाँ सदन में उठाने की बात करेंगे, हरियाणा की जनता का इसमें लाभ होगा। मैं पुनः जिन विधायकों ने भी हमें समर्थन दिया है, और आज तो समर्थन दिया या नहीं दिया, 90 के 90 विधायकों को मैं आज बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। देखिए, बहुत खुला वोट दिया उन्होंने और अपने अंतरात्मा की आवाज़ से दिया, उन्होंने कुछ छुपा के नहीं दिया। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि उनकी ज़रूर आस्था मोदी जी के केंद्र की सरकार के जो नीतियाँ हैं, जो उपलब्धियाँ हैं, जो हमारी विचारधारा है,
उससे प्रभावित होकर के ही किया होगा। उन्होंने इस बात की भी चिंता नहीं की कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ क्या करेगी, लेकिन यही होता है कि राष्ट्रीय विचार के साथ जुड़ने का एक अवसर अपनी अंतरात्मा के हिसाब से उन्होंने वोट दिया, उनको भी मैं अपनी ओर से बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर अनुपात क्या रहा है जो दूसरी सीट पे चुनाव था, कार्तिक शर्मा जी और उनके बीच में अजय माकन जी के बीच में अनुपात क्या रहा है सर? देखिए इसका एक गणित होता है, एक कैंडिडेट ने वोट डाला नहीं और कांग्रेस के एक कैंडिडेट का वोट खारिज हुआ, कुल स्ट्रेंथ 88 रह गई, तो 88 में 1/3 से जो ऊपर आ जाएंगे वो दो चुने जाएंगे, जो 1/3 से नीचे रह जाएंगे वो हार जाएंगे, तो 88 का 1/3 बनता है 29.34, तो 29.34 वोटों से दोनों ही फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस मिला करके हमारे दोनों कैंडिडेट रहे, जबकि कांग्रेस के 29 ही मेंबर रहे, इसलिए वो इतने ही मार्जिन से हारे हैं और इतने ही मार्जिन से हमारे दोनों कैंडिडेट जीते हैं। हुआ क्योंकि हमारे जो पोलिंग एजेंट जो काउंटिंग एजेंट बैठे थे उन्होंने मुझे बताया है, हमारे सामने तो हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बार कहीं उनको गणित ऐसा ध्यान में आया कि कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया है, उन्होंने बाहर आके डिक्लेयर भी किया, लेकिन वास्तविक गिनती जब सब हुई सामने उनको लगा कि हार गए हैं तो उन्होंने रिकाउंटिंग की डिमांड भी की, हालांकि रिकाउंटिंग के लिए लिख के उन्होंने नहीं दिया, ये हमारे जो पोलिंग एजेंट हैं जो काउंटिंग एजेंट हैं ये उनकी उदारता है, उन्होंने कहा ठीक है अगर आपको लगता है कि दोबारा करा सकते हैं, क्योंकि बहुत कम संख्या 89 वोट ही थे तो 89 वोट को गिनने में दोबारा 10 मिनट का समय लगता है, कुछ ज़्यादा नहीं लगता है, तो दोबारा गिना तो जो पहले गिनती थी वही दोबारा हुई, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं। खेल को खेल की भावना से देखना चाहिए, राज्यसभा का चुनाव का स्वाद था, आपने इसमें कुछ खेला हो गया जो एक वोट रद्द हुई कांग्रेस की? देखिए अभी कांग्रेस के वोटर कौन रद्द हुआ इसके बारे में हमको मालूम नहीं है, हमें मालूम नहीं है, और लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग अपने आप ही बता देंगे, क्योंकि हर पार्टी के एमएलए का जो वोट है वो उनका एजेंट देखता है, तो हमारे सब जितने हैं सबके सब ठीक निकले हैं, कांग्रेस का ही एक अगर जो कैंडिडेट है जिसने अपना मत का गलत उपयोग किया है तो कांग्रेस के एजेंट जरूर जानते होंगे, तो कांग्रेस के एजेंट हो सकता है आपको हमको किसी को भी बता दें। मैंने बताया कि कन्फ्यूजन नहीं, उन्होंने कहीं ये समझ लिया कि उनके 30 के 30 वोट आ गए हैं। सर कुलदीप का स्वागत है, कुलदीप बिश्नोई जी। देखिए ये उनकी अपनी अंतरात्मा की जो आवाज़ है उसका ज़्यादा एक महत्व रहेगा, वो क्या करते हैं और अगर वो आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। पिछले कुछ दिनों से वो लगातार आपके संपर्क में थे और पिछले 20-25 दिन से लगातार ऐसे लग रहा था कि वो आपसे बेशक आदमपुर की विधानसभा क्षेत्र के लोगों की डिमांड पर मिलते रहे हैं, लेकिन बहुत उदारता से आपके प्रशंसा भी करते थे, आपके कार्य की प्रशंसा भी उन्होंने की और बहुत ऐसे उनकी जान से मारने वाला मामले में आपकी बहुत प्रशंसा किया, तो ऐसे लोग कांग्रेस में बहुत से हैं जो लगातार मिलते भी रहते हैं, उनके क्षेत्र के काम भी हम करवाते हैं, उनको कभी कोई कठिनाई आती है तो उस कठिनाई के लिए हम हमेशा साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि आखिर तो अपने प्रदेश के विधायक हैं हम, उसमें कहीं कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, तो इसलिए ये विषय कहना कि भी हाँ केवल वो मिलते थे और बहुत मिलते हैं, लेकिन सबका हुड्डा साहब का भी स्वागत है। सर कांग्रेस का एक वोट जो खारिज हुआ है उसका कहीं ना कहीं सीधे तौर पर फायदा भी मिला है, एक हफ्ते से ज्यादा समय लगभग कांग्रेस के विधायकों को ट्रेनिंग दी गई, लेकिन उसके बाद भी छोटी-छोटी जो टेक्निकल गलतियां थी उनका ध्यान नहीं। बस टेक्निकल ट्रेनिंग जो होती है उसका एक अंतर होता है, उन्होंने एक सप्ताह तक ट्रेनिंग दी, हमने एक दिन ट्रेनिंग दी, तो हमारी एक दिन की ट्रेनिंग उनकी एक सप्ताह की ट्रेनिंग, वो फिर फेल हो गए, हम फिर पास हो गए। ट्रेनिंग हमने भी दी है, हम कल यानी पिछला जो 9 तारीख का सारा दिन हमारे विधायक एक ही स्थान पर रहे, और बाकायदा क्योंकि बहुत टेक्निकल पोलिंग होती है, प्रेफरेंशियल पोलिंग होती है, प्रेफरेंस 1 देना होता है, प्रेफरेंस 2 देना होता है, और इतने सारे जो विधायक होते हैं तो उनको एक विषय बताना होता है कि भी हमारे दो कैंडिडेट हैं तो उसमें प्रेफरेंस 1 कौन किसको देगा और प्रेफरेंस 2 भी देना है, तो सबसे नहीं दिलवाए जाते, वो जितने लोगों को आवश्यकता होती है उस समय कि उतनों को दिलवाया जाता है, तो हमारे फर्स्ट प्रेफरेंस के जो आज वोट निकले हैं वो 36 निकले हैं, 29.34 उनकी जीत की आवश्यकता थी, तो बाकी 6.66 ये ट्रांसफर हुए कार्तिक शर्मा को, 23 और 6.66 और हो गए तो 29.66 हो गए, 29.34 29.66 और उनके 29, इसलिए 6.66 जीत होगी।
देखिए ये अभी कांग्रेस की इंटरनल बात हो सकती है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, रणदीप सुरजेवाला चौके राज्यसभा में चुन के आए, उनको बधाई जरूर देता हूँ मैं। सर, हरियाणा कांग्रेस के पेज पर सत्य में जैसे भी ट्वीट किया गया है, मैं वही कह रहा हूँ ना, जो गलतफहमी उनको हुई है, जल्दबाजी में उन्होंने किया, उसी कारण से उन्होंने रिकाउंटिंग मांगी। एक जगह मतदान करके गए सिंह साहब, आपने उस पर भी बहुत बहुत विश्वास व्यक्त किया था कि दोनों सीटें जीतेंगे, तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। तो उसका आधार क्या था? अगली बार 2 साल के बाद फिर चुनाव होगा, फिर भी जीतेंगे। और अभी तो कितने जुलाई राष्ट्रपति 18 जुलाई को फिर से पोलिंग होगी, और उसमें भी हमारे जितने भी वोट हैं वो जरूर लेंगे। तो आपकी एक विधायक की संख्या और बढ़ गई, इसलिए आपको बताइए। अब वो कैसे बढ़ेगी, क्योंकि कांग्रेस के MLA नहीं, नहीं वो तो MLA तो कांग्रेस के ही है, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज से, और कौन उनके साथ जुड़ के आएगा देखेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खेलो इंडिया।